हेलो एवरीवन टुडे वी विल स्टार्ट विथ मैकी मैरियट ठीक है इसके जो ये वीडियो है इसमें हम जानेंगे मैकी मैरियट के लाइफ स्केच के बारे में इन्होंने कौन सी मेथोडोलॉजी का यूज़ किया था विलेज इंडिया इनकी एक बुक थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे विल ऑल्सो नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटल एंड ग्रेट ट्रेडिशन ठीक है इसका कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने इसके बारे में हम जानेंगे एंड देन विल डील विथ पैरकोलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टड फर्स्ट वेल टॉकिंग अबाउट इज लाइफ स्केच मैकी मैरियम मैरियट हैज़ डन हिज पी एच डी इन एंथ्रोपोलॉजी ठीक है मतलब इन्होंने से नहीं एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं ये बेसिकली देन इनका जो फील्ड वर्क है वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के जो गांव हैं उन पर फोकस्ड है एंड इसके अलावा इन्होंने विलेज इंडिया जो बुक थी उसको एडिट करा है ठीक है एंड ही हैज़ ऑल्सो डन वेरियस स्टडीज ऑन रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज इन सब चीज़ों पर उन्होंने स्टडी करा है एंड हिज मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इंडिया जापान एंड सम अदर कंट्रीज ठीक है इन सब जगहों पे उन्होंने अपनी स्टडी उनकी फोकस्ड है मूविंग ऑन टू हिज बुक्स ठीक है मैके मैरेट ने ये तीन किताबें लिखी हैं ठीक है विलेज इंडिया स्टडीज़ इन द लिटिल कम्युनिटी मेनली हम इसी बुक के बारे में पढ़ते हैं हमेशा देन कास्ट रैंकिंग एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर इन द फाइव रीजन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड देन इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज दीज आर द्री बुक्स दैट हेज़ बिन रिटन बाय मैकेमरियट अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करें तो ही हैज़ यूज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इन हिज स्टडी ऑफ विलेज इंडिया जो विलेज इंडिया बुक है उसके लिए उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का यूज़ किया था ठीक है बिकॉज ही वॉज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय रॉबर्ट रैडफेल एंड मिल्टन सिंगर इनसे इनके वर्क से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे मैके मैरियट ठीक है वो क्या कहते हैं मैके मैरियट सेज दैट सिविलाइजेशन और जो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशन है वो दो स्टेजेस में ग्रो करता है पहला थ्रू इंडिजनस एवोल्यूशन मतलब या तो कल्चर या सिविलाइजेशन खुद इवॉल्व कर जाए और दूसरा तरीका ये है कि थ्रू कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर और दूसरे तरीके से कब इवॉल्व करेगा जब एक कल्चर दूसरे कल्चर के कॉन्टैक्ट में आएगा ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जब हम किसी दूसरे कल्चर को देखते हैं कुछ चीज़ें उनसे अडाप्ट कर लेते हैं और कुछ चीज़ें वो हमसे अडॉप्ट कर लेते हैं दिस इज हाउ कल्चर इंटरमिंगल विथ ईच अदर ठीक है देन टॉकिंग अबाउट हिस बुक विलेज इंडिया ठीक है जो विलेज इंडिया बुक थी मैकी मेरिट ने तो उसको एडिट किया था ठीक है विलेज इंडिया स्टडीज़ इन द लिटिल कम्युनिटी क्या है इस बुक में इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ विलेज स्टडीज डन इन द फिफ्टीज़ नाइनटीन फिफ्टीज़ के समय जो भी रिसर्चर्स रहे जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं उन्होंने जो भी विलेजेस के बारे में स्टडी करा है वो सारी चीज़ों का कंपाइलेशन है विलेज इंडिया ठीक है देन इसमें मैरिट का जो पेपर है उसका नाम है लिटिल कम्युनिटीज़ इन एन इंडिजिनस सिविलाइजेशन तो मैरिट जो है इसकी स्टडी जो इस लिटिल कम्युनिटीज इन एन इंडिजिनस सिविलाइजेशन में जो इस पेपर के लिए उन्होंने कहाँ की स्टडी करी थी एक किशनगढ़ी विलेज है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश वहाँ की स्टडी को उन्होंने इस पेपर में पब्लिश किया है ठीक है विलेज इंडिया के बारे में या इंडियन विलेज के बारे में जो uh, मैकी मैरिट है वो क्या कहते हैं ही सेज़ दैट बोथ लिटिल कम्युनिटीज़ एंड ग्रेट कम्युनिटीज़ आर म्यूचुअली नेसेसरी ठीक है मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ग्रेट कम्युनिटी है वो ज़रूरी है और लिटिल कम्युनिटी ज़रूरी नहीं है ही सेज़ कि बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट ठीक है यहाँ पे जो है मैरिट जो है एनालाइज करते हैं जो फेस्टिवल और डिटीज़ हैं जो किशनगढ़ी गांव है वहाँ पे लोग कैसे फेस्टिवल मनाते हैं कौन से देवी देवताओं की पूजा करते हैं ही हैज़ डन अ डिटेल स्टडी अबाउट दैट कम्युनिटी ठीक है इसके अलावा जो मैरिट है वो ये बात कहते हैं कि हम जो है कभी भी ये नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ ये माने कि ग्रेट ट्रेडिशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है और लिटिल ट्रेडिशन या पीजेंट की लाइफ का कोई इम्पॉटेंस नहीं है ठीक है ही सेज़ बोथ लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट ठीक है किसी को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते किसी को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते या ये नहीं कह सकते कि पीजेंट का जो लिटिल ट्रेडिशन है वो बिल्कुल बेकार है इरेलीवेंट है ऐसा नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ग्रेट ट्रेडिशन है उतना ही लिटिल ट्रेडिशन भी है देन अब क्वेश्चन आता है कि लिटल ग्रेट ट्रेडिशन होता क्या है ठीक so, uh, है सो मैकी मेरिट सेज़ दैट लिटिल ट्रेडिशन इज़ द ट्रेडिशन फॉलोड बाई फोक और द पीजेंट्री दैट इज़ द विलेज ट्रेडिशन मैकी मेरिट ये कहते हैं कि जो भी कल्चर जो भी ट्रेडिशन जो गाँव का है ठीक है जो छोटा सा फोक कल्चर होता है जैसे छोटा सा गाँव है वहाँ के लोग जो जो भी चीज़ें जो भी तरीके कल्चर फॉलो करते हैं जो भी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं है, उसको हम लिटिल ट्रेडिशन कहते हैं क्योंकि वो बहुत सीमित एरिया में बहुत छोटे से एरिया में है ठीक है देन इट इज़ टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द रीजनल एंड विलेज कंडीशन जो लिटिल ट्रेडिशन होता है वो छोटे से एरिया के हिसाब से ही बना होता है ठीक है देन लिटिल ट्रेडिशन के कैरियर्स कौन होते हैं मेनली जो फोक आर्टिस्ट होते हैं जो टेलर्स ऑफ रिडल्स प्रोवर्ब्स स्टोरीज़ पोइट्स एंड डांसर्स आप अक्सर देखेंगे कि अगर आप किसी गाँव गाँव में चले जाएँ तो वहाँ पे फोक आर्टिस्ट होते हैं जो वहाँ के पुराने किसी के बारे में इमिटेशन करके जो ड्रामा करके दिखाते हैं कि हमारे गाँव में पहले ऐसे ऐसे होता था ठीक है देन जो पोइट्स हैं जो डांसर्स हैं एंड सिंगर्स कुछ गाने ऐसे होते हैं किसी गांव में जो आप जाएंगे तो वहाँ किसी लोगों की कहानी वो सुना रहे होते हैं जो पहले कभी एग्जिस्ट करते थे है ना बट वी हैव नेवर हर्ड अबाउट दैट सो दीज आर द पार्ट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन ठीक है जो छोटे से एरिया में जो पीजेंट्री मेनली फॉलो करती है वो लिटिल ट्रेडिशन है ग्रेट ट्रेडिशन क्या है इट इज़ फाउंड इन द ट्वाइस बॉन्ड कास्ट स्पेशली इन द प्रीस्ट एंड रिचुअल लीडर्स जो ग्रेट ट्रेडिशन है वो ज़्यादातर ट्वाइस बॉन्ड कास्ट जो अपर कास्ट है जो ब्राह्मण्स है इनके में ये पाए जाते हैं ठीक है लाइक like, अगर हम बात करें नॉर्मली कहाँ पे ये ट्रेडिशंस आपको देखने के मिलेंगे स्पेशली इन द एपिक्स पुरान्स ब्राह्मणास एंड द क्लासिकल सांस्कृतिक वर्क्स जो भी हमारे पुराण वगैरह हैं इनमें जो ट्रेडिशन दिया हुआ है वो सब इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन वो ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट है ठीक है जैसे अगर हम बात करें तो रोल ऑफ द रोल एंड स्टेटस ऑफ सीता एंड द्रौपदी दे कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन अगर हम बात करें सीता की द्रौपदी की दे ऑल आर दार्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन ठीक है फिर मैक मैरिट जो है यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं ठीक है ठीके? यूनिवर्सलाइजेशन uh, क्या होता है ही सेज यूनिवर्सलाइजेशन अकर्स वेन द एलिमेंट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन सर्कुलेट अपर टू द लेवल ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन जब किसी लिटिल ट्रेडिशन का कोई एलिमेंट ऊपर चला जाता है टू द ग्रेट ट्रेडिशन इट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सलाइजेशन ठीक है जैसे यहाँ पर मैरिट एग्जाम्पल देते हैं रक्षाबंधन जैसे हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो ही की कि जब किशनगढ़ी गाँव की उन्होंने स्टडी करी थी तो वहाँ पर इससे मिलता जुलता एक फेस्टिवल था सलूनों जो लोग वहाँ मनाते थे ठीक है यहाँ पे क्या होता था कि नॉर्मली जो वाइफ्स होती थी वो अपने माइके गई होती थी एंड हस्बैंड यूज़ टू गो एंड टेक देम टू ब्रिंग देम बैक ठीक है तो जो वाइफ्स थी वो आने से पहले अपने ब्रदर्स के मतलब सर के ऊपर या ईयर्स के ऊपर दे यूज़ टू पुट द शूट ऑफ बार्ले जो बार्ले के जो ब्रांचेज होते हैं वो रखती थी एंड ब्रदर्स इन रिटर्न यूज़ टू गिव देम गिफ्ट्स ठीक है और इसके बाद जो है जो ब्राह्मण्स होते थे वो अपने जजमान के यहाँ जाके उनको मतलब थ्रेड जैसा कोई चीज़ बांधते थे ठीक है एंड ग्रेजुअली दिस फेस्टिवल कन्वर्टेड इन टू रक्षाबंधन ठीक है तो यहाँ पे मैकी मैरियट ये बस दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक हो सकता है कि इससे मिलता जुलता फेस्टिवल वो लोग भी मना रहे हैं पहले से ही ठीक है देन पैरोकलाइजेशन पैरोकलाइजेशन क्या होता है ही सेज इट दैट वैन The element of great tradition percolates downwards and become the part of little tradition, thereby losing its original form. theek hai ठीक है kehte hain कहते हैं कि जैसे जब hota hai होता है ठीक है जब उसका कोई अंश ग्रेट ट्रेडिशन से नीचे आता है लिटिल ट्रेडिशन की तरफ तो इसे हम पैरोकोलाइजेशन कहते हैं ठीक है मतलब परकोलेट करके वो नीचे आया है ठीक है यहाँ पे वो एग्जाम्पल लेते हैं नवरात्रि फेस्टिवल का ठीक है ही सेज कि जो नवरात्रि का फेस्टिवल है जहाँ पे हम लोग नव दुर्गा की पूजा करते हैं ठीक है तो जो किशनगढ़ी के लोग थे वो नौरथ करके जो है एक मड का बनाया हुआ मिट्टी का बनाया हुआ वो लोग देवी बनाते थे उसकी वो नौ दिन पूजा करते थे ठीक है एंड तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि जो नवरत्थ नेम है वो नवरात्र से बना है और हो सकता है कि यही नाम पैरकोलाइज़ करके ग्रेट से लिटिल ट्रेडिशन की तरफ पहुँच गया है ठीक है दिस इज़ वॉट ही सेज अगर यहाँ पे हम इस डायग्राम में देखें तो अगर यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकलाइजेशन कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना हो याद रखना हो फॉर देट कभी भी जब लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट की तरफ जा रहा है ना लिटिल ट्रेडिशन जब ग्रेट की तरफ जाएगा तो यूनिवर्सलाइजेशन हो रहा है ठीक है और जब ग्रेट ट्रेडिशन जो है नीचे आता है लिटिल की तरफ तो वहाँ पर पैरोकलाइजेशन होता है जस्ट रिमेंबर दिस एंडल बी एबल टू रिमेंबर कि लिटिल से ग्रेट जाना हो तो यूनिवर्सलाइजेशन ग्रेट ट्रेडिशन अगर लिटिल ट्रेडिशन की तरफ आ रहा होता है परकुलेट कर रहा होता है इट इज़ नोन एज पैरोकुलाइजेशन सो दीज वर द कॉन्सेप्ट दैट वॉज गिवन बाई मैकी मैरियट थैंक यू एवरी वन इफ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब